दीनदयाल धाम कॉलोनी में रहने वाली अनामिका त्रिपाठी बचपन से ही संगीत में रुचि रखती थी। उनकी इस ललक और कड़ी मेहनत ने आज उन्हें एक बड़े मुकाम पर खड़ा कर दिया है। पूरी शिद्दत से सही दिशा में की गई मेहनत कभी जाया नहीं होती और ये साबित किया है अनामिका त्रिपाठी ने। भोजपुरी के लोकप्रिय रियलिटी शो सुर संग्राम में वो आज अपने सुरों का जलवा बिखेर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि वो यूपी के योद्धा टीम से फिनाले तक जाए और विनर बने। आज वो अल्पप्रवास के लिए रीवा पहुंचे, उनके समर्थक फूलमालाओं से स्वागत करते दिखे। स्वागत करने वालों में याकूब खान, दीपू तिवारी, जानू त्रिपाठी, रीति सरगम पांडे, सत्यम द्विवेदी, नीरज गोलू, सुमति आरती निक्की, मदनवाल, अंबर निगम, मनोज, मिंटू तिवारी, कृष्णा प्रांजल और दीपांशु दीक्षित, बबीता आदि ने स्वागत किया। रेलवे स्टेशन में उनका भव्य स्वागत हुआ। रीवा पहुंचने पर उनसे रीवा रेलवे स्टेशन में बैंड बाजे लेकर उनके प्रशंसक पहुंचे। ये अनामिका त्रिपाठी सुर संग्राम में पहुंची, कब तक का सफर रहा, कैसा सफर रहा आपका ये? सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और मैं रीवा से अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बॉम्बे में, वो मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ऑडिशन दिया था बॉम्बे ऑडिशन, भोजपुरी का सबसे बड़ा रियलिटी शो है सुर संग्राम, जिसे रियलिटी शो के जनक जिन्हें कहा जाता है साईं बाबा टेलीफिल्म्स, इन्होंने करवाया है सुर संग्राम। और सुर संग्राम में मैंने बॉम्बे ऑडिशन दिया, उसके बाद मेगा ऑडिशंस मैंने दिया। मेगा ऑडिशंस में मैंने टॉप 80 में अपनी जगह बनाई। टॉप कौन सी सॉन्ग में आपकी जगह बनी है? सॉन्ग जो था वो तो मतलब था मेरा ऐसा था कि साड़ी ले आईला पहरे न जानी हमके तने पहराई दा, सुन लाए राजा जी की बतिया, सुन लाए राजा जी की सड़िया पहरे के सिखाई दा, सुन लाए राजा जी। तो ये गीत था। सुर संग्राम में अभी कौन सा एपिसोड अभी आपका बाकी है जो आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगा? वाह क्या सवाल किया आपने। मैं बता दूं अभी पिछला एपिसोड था हमारा छठ का, ठीक है, और छठ के एपिसोड में मैं हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द वीक बनी थी, बेस्ट परफॉर्मर बनी थी। और अब जो एपिसोड आ रहा है वो है भोजपुरी क्वीन, जहाँ अक्षरा सिंह जिन्हें ऑल इंडिया में लोग जानते हैं, उनके साथ मेरा नेक्स्ट एपिसोड है। और वो एपिसोड देखिए बहुत सरप्राइज है। आप लोग भोजपुरी सिनेमा देखिए और जिनके पास टीवी नहीं है वो दंगल ऐप डाउनलोड करिए और शनिवार और रविवार ठीक 8 बजे, जी हाँ, कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। बेहद खूबसूरत सा एपिसोड है जिसमें अक्षरा सिंह आ रही हैं और आगे आप लोग खुद क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो ये है कि मैं फिनाले तक जाऊँ, क्योंकि माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और बस अच्छा ये कि अच्छा हो जाए और मैं ग्रैंड फाइनलिस्ट बन। भोजपुरी की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? एक्चुअली भोजपुरी की शुरुआत कहा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश, मेरा बॉर्न है, मैं देवरिया जिला की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे पापा की जॉब लगी रीवा और रीवा मेरी कर्म भूमि है और मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। और मैं जब 1 साल की थी तब से अपने रीवा में रह रही हूँ। तो बस मेरे लिए ये है कि कर्म भूमि और जन्म भूमि का जो मिश्रण मिला है वो बनी है अनामिका त्रिपाठी। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।